वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। तो हमने बात की थी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर। और फाइव किंगडम क्या क्या थे? देयर वाज मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमालिया। ये पांच किंगडम थे। बट लेटर ऑन कार्लबूज अनदर बॉटन बायोलॉजिस्ट, कार्लबूज WOESE कार्लबूज ने इन फाइव किंगडम को जो है छह किंगडम मार दिया। उन्होंने क्या किया कि मोनरा को दो और किंगडम, मोनरा के दो किंगडम बना दिए। कौन कौन से? आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मींस दे गेव अस, कार्लबूज ने क्या दिया? सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लबूज। और ऑल्दो दिस सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट इसको किया गया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर। आर एच वाइटेकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वही एक्सेप्टेड है, ठीक है। अभी कार्लबूज ने क्या किया, इन सारे सिस्टम को, दैट इज इन सारे जो किंगडम्स हैं, इनको तीन डोमेन में रख लिए, थ्री डोमेन बना लिए इसके। पहले डोमेन बनाया इसने आर्किबैक्टीरिया, दूसरा बनाया इसने यू बैक्टीरिया एंड थर्ड डेमोन डोमेन वास दैट इज यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में इसने क्या किया कि देखो ये दोनों तो लाइक डोमेन में ले लिया, आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, और इन चारों को मिला के, चारों क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमालिया, इन चारों को मिला के उसने एक डोमेन बना दिया, ठीक है, दैट वाज यूकैरियोटा। बिकॉज इसमें जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो सभी कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अबाउट कार्लबूज, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, यू नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया, दैट किंगडम मोनरा की बात करते हैं, किंगडम मोनरा। तो किंगडम मोनरा में हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया, यू नो वेरी वेल, हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। पहला पॉइंट ये आता है कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स या मोनरन्स आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जैसे मान लो दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज इनर वॉल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सेल वॉल, आउटर वॉल, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। एंड यू नो वेरी वेल दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मीन प्रोटीन्स एंड शुगर्स, ठीक है। पेप्टाइडो मीन प्रोटीन एंड ग्लाइकन मीन शुगर, इसकी बनी हुई है। इसके अंदर क्या है? देयर इज जेनेटिक मटीरियल, दिस इज जेनेटिक मटीरियल विच इज फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल, दैट इज नेक्ड। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए। एंड नेक्ड डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। नेक्ड डीएनए को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में क्या होता है? डीएनए नेक्ड होता है। डीएनए के बाहर जो है हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक है, कवरिंग नहीं होती इसके बाद। तो डीएनए नेक्ड, और नेक्ड डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियर। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर बात करेंगे यूकैरियोट की, तो ऐसे ही हम एक किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल या एल्गल सेल की बात करेंगे या फंगल सेल की बात करेंगे, तो वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में ये क्या है? सेल वॉल है। मीजोसोम इसमें नहीं है। बैक्टीरिया में जो मीजोसोम है, दैट हेल्प्स इन इट्स रिप्रोडक्शन, बाय डिफ्यूजन में, डिवीजन में हेल्प करेगा मीजोसोम, ठीक है। अब ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है प्लांट सेल का, ये न्यूक्लियर मटीरियल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है जेनेटिक मटीरियल, ये दिस इज जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये है हमारी न्यूक्लियर इनवॉल्व, और इसके अंदर क्या है जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए। तो हम ये क्या है, ये है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में डिफरेंस क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जिनका जिनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनरा जो कि हम बात कर रहे हैं, तो मोनरा में पहले बात पे आ गई कि दिस इज ए प्रोकैरियोट, मींस देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके बीच में न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस किस फॉर्म में है, न्यूक्लियोइड। इसके न्यूक्लियस को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट यहां आता है कि दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्मोपोलिटन, दीज आर कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह प्रेजेंट है। बैक्टीरिया आपको पता हर जगह प्रेजेंट होता है, एक अगर मुट्ठी भर आप सॉइल लेंगे तो सॉइल में आपको लाखों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सोच को हमने क्या कहा, दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकी जो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन। इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, दोनों को पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। मीन सेल वॉल कैसी है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है एक्सेप्ट आर्किबैक्टीरिया, एक्सेप्ट आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के बीच में सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहां बात क्लियर होगी कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सेप्ट आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बीच में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के हिसाब से बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पहली बात करें शेप की तो पहला है कोकस, कोकस का मतलब होता है राउंड, राउंड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद बात करेंगे हम बेसिलस, राउंड शेप ऐसे बैक्टीरिया होंगे, दिस जस्ट लाइक दिस, बेसिलस कैसे होंगे रॉड शेप, एक राउंड होंगे और एक होंगे रॉड, रॉड शेप्ड, ठीक है। थर्ड बैक्टीरिया स्पाइरलम, स्पाइरली, दीज आर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरली क्वाइल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इनको हम क्या बोलेंगे स्पाइरलम, मींस दे आर स्पाइरल शेप्ड। एंड फोर्थ वी हैव विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरिया जो है कैसे होते हैं, विब्रियो कॉलरा जैसे, दैट आर कॉमा शेप, कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे विब्रियो, ठीक है। तो ये है ऑन द बेस ऑफ द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वी विल, वी हैव डिवाइडेड दिस बैक्टीरिया इनटू टू किंगडम्स अगेन, टू फाइलम्स, दैट इज कौन कौन से है, एक है आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। हम बात करेंगे अभी आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया जो वो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, हार्श कंडीशंस मतलब दे कैन सर्वाइव इन डिफिकल्ट कंडीशन। डिफिकल्ट कंडीशन क्या हो सकती है, हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, एसिड कंटेनिंग सिस्टम में, वाटर में, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे, ये बैक्टीरिया दे आर स्पेशली मेंट फॉर हायर
हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन में पहले बैक्टीरिया हमारा है मेथेनोजन, इसमें क्या मिथेनोजन, मिथेनोजन्स। अब मिथेनोजन्स बैक्टीरिया कैसे हैं, दे आर मिथेन प्रोड्यूसिंग, दे प्रोड्यूसेस मिथेन, प्रोड्यूसेस मिथेन, और रहते कहां है, मिथेन क्या है, सी एच फोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ये रहते कहां है, दे लिव इन द कैटल गट, कैटल गट जो पशुओं का जो इंटेस्टाइन है, पेट है, पशुओं के पेट में रहते हैं ये, और गोबर, गोबर की जो स्मेल होती है वो दैट इज ड्यू टू दिस मिथेन, ठीक है। तो यहां से बायोलॉजी का पीएमटी नीट का क्वेश्चन बनता है कि यू आर क्रॉसिंग थ्रू ए मार्शी एरिया, मार्शी एरिया से आप गुजर रहे हैं और वहां की स्मेल आपको आती है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आपको वहां लिखेंगे आपकी वहां मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन बैक्टीरिया का, हम कन्वर्ट डंग इनटू बायोगैस, ये डंग को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बायोगैस में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज द मिथेनोजन, मीन मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स। अब हैलो, हैलो का मतलब होता है साल्ट, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो साल्ट रिच सॉइल में या साल्ट रिच वाटर में पाए जाएंगे, वो बैक्टीरिया जो साल्ट रिच वाटर या सॉइल में पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, हैलोफाइल्स, ठीक है। तो हैलोफाइल्स बैक्टीरिया कौन से हैं, जिसका नाम है हेलोकोकस, दीज आर फाउंड इन सलाइन वाटर, सी वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में, मेराइन वाटर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है इनका, इनमें एक एग्जांपल है हेलोकोकस का, हेलोकोकस बैक्टीरिया दैट लिव्स इन दिस हेलो सिचुएशन, मतलब साल्टी सिचुएशन। थर्ड बैक्टीरिया भी है थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिडिक, एंड फाइल मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन फाइल मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसे बैक्टीरिया जो कहां पाए जाएंगे, हाई टेम्परेचर में, मीन हॉट स्प्रिंग्स में, दिस कैन बी, वी कैन गेट दिस फ्रॉम, वी कैन गेट दिस इन हॉट स्प्रिंग्स, इवन इन गीजर, ये बैक्टीरिया गीजर में भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग में और गीजर में भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसका बैक्टीरिया का एग्जांपल है थर्मोकोकस, थर्मोकोकस। ये बैक्टीरिया है कौन से, ये है आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कौन सी कंडीशन में रहेंगे, हार्श कंडीशन में रहेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में रहेंगे, तो थर्मोकोकस। एक बैक्टीरिया इसमें थर्मस एक्वाटिकस, एक जो बड़ा कॉमन मेन जिसका यूज है, थर्मस एक्वाटिकस, एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस एंजाइम टेक पॉलीमरेज, प्रोड्यूस थर्मस कैटेगरीस एक्वेटिकस इज ए थर्मो एसिडोफाइल आर्की बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस एंजाइम टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा टेक पॉलीमरेज, और दिस टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो वो कहां यूज होगा, ये डीएनए पॉलीमराइजेशन में यूज होता है, डीएनए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ये प्लस टू का टॉपिक है, पीसीआर चेन पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहां भी एक पीएमटी नीट का क्वेश्चन आता है कि टेक पॉलीमरेज हमें एंजाइम है वो कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं थर्मोसिडोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। हालांकि थर्मोसिडोफाइल आर्की बैक्टीरिया का ही एक टाइप है, ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर आएगा तो यू विल राइट इट एज थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो ऐसा कोई सा प्रोटिस्टा, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास। तो ये बैक्टीरिया कहां यूज होता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो दिस यू शुड नोट दिस एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात कर ली है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ ली, अब बात करेंगे हम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं,
ये हो सकता है कीमोसिंथेटिक और ये हो सकता है हीटरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से, यू बैक्टीरिया, तीन प्रकार, टू बैक्टीरिया ये हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे कौन से हैं, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बात कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इनमें, और क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल की वजह से दे कैन मेक देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसकी वजह से अपना भोजन बना सकते हैं ये, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया का एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, इसमें हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में हम बात करेंगे बीजीए, इसका एग्जांपल है बीजीए, बीजीए कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी, ठीक है। और इसका नाम, दूसरा जो नाम है इसका, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन अल्गी जो है वो बैक्टीरिया है, अल्गी नहीं है, बट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज समटाइम्स कि ये बीजीए है, ये क्या है, अल्गी है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि बीजीए इज बैक्टीरिया, बीजीए इज अल्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और अल्गी। तो स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, देखते हैं कि अल्गी लगी है साथ में, तो अल्गी को टिक कर देते हैं, और अल्गी तब टिक करते तो मेरे क्वेश्चन गलत हो गया। तो बीजीए, ब्लू ग्रीन अल्गी, इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मोनरा का जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की टाइप है बीजीए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है यहां पे, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है, तो ये कैसा बीजीए, कैसा है फोटोसिंथेटिक, बीजीए कैसा है फोटोसिंथेटिक, मीन इट कैन मेक इट फूड मटीरियल इटसेल्फ, अपने आप ही अपना भोजन बना लेगा ये। उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा बैक्टीरिया हम बात करें कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। अब कीमो की बात है, कीमो मतलब सिंथेटिक, सिंथेसिस तो होता है, भोजन तो बनता है यहां, लेकिन भोजन कहां से बनता है, भोजन बनता है यहां केमिकल्स के ब्रेकडाउन से, एनर्जी कहां से मिलती है, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल्स, मीन दे हैव नो क्लोरोफिल, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे हैव नो क्लोरोफिल, दे कैन मेक देयर फूड मटीरियल बाय ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन से फूड मटीरियल बनेगा ना। तो इसमें बैक्टीरिया हमारे पास है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना और नॉस्टॉक। ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दीज बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेस। इन बैक्टीरिया के बीच में ये जैसे नॉस्टॉक की बात करते हैं, दिस इज नॉस्टॉक एंड दीज आर द स्ट्रक्चर नॉस्टॉक, देयर इज वन स्पेशलाइज्ड सेल, इनके बीच में एक सेल जो है स्पेशलाइज्ड बन जाता है, इस तरीके से लग से शेप बना लेगा स्पेशलाइज, और इसके बाद क्या होगी, म्यूटेशनल शीट होती है, और दैट्स व्हिच हेल्प इन दैट सेल व्हिच बिकम्स, दैट इज कॉल्ड अ हीटरोसिस्ट, जिसको हम बोलेंगे हीटरोसिस्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद बात करते हैं हम हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स, हीटरोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये मैंने लिखे तीन टाइप, तीन दो मैंने डिस्कस कर दी, अब तीसरे करते हैं हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड फोटोसिंथेटिकली एज वेल एज कीमोसिंथेटिकली, दोनों मेथड से ये भोजन नहीं बना सकते अपना, दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कहीं कुत्ता मर जाता है, ठीक है, कुत्ता मर गया उसको स्मेल पड़ जाती है, स्मेल पड़ती है, तो स्मेल किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसको ग्लास आ रहा है, उसको ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं, ब्रेकडाउन क्या कर रहे होते हैं, दे आर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। जैसे गोबर की बात करें हम, गोबर जब गाय के भैंस से गोबर आता है तो उसको उठा के एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो गोबर में क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अब गोबर कुछ दिनों तक वहां इकट्ठा रहेगा, बड़े दिनों तक रहेगा वहां पे, और उसके बाद क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम ह्यूमस, ठीक है। तो खाद बन जाएगी उसकी, वो दैट ब्लैक कलर, डार्क कलर हो जाएगा, दैट विल, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। और भी कई सब्सटेंसेस जैसे फंगस होगा, ठीक है, तो इनकी वजह से जो है दैट विल बिकम टेक द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, मीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड यूजेबल फॉर्म, ठीक है। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दीज आर मोस्टली क्या है, ये मोस्टली डिकम्पोजर्स, मोस्टली डिकम्पोजर्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज
उनको दूसरा नाम हम क्या बोल सकते, क्लीनिंग एजेंट को क्लिनसिंग एजेंट्स, सी एल ई ए एन एस आई एन जी, क्लिनसिंग एजेंट्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ये और क्या काम करते हैं, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो कुछ एक जो बैक्टीरिया है वो क्या, दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, दे कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और क्या होता है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी एक्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। और सम ऑफ द बैक्टीरिया दे एक्ट एज पैथोजेंस, पैथोजेंस, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन, पी ए टी एच ओ जी ई एन, पैथोजन, इट इज ए डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। ये डिजीज किस किस में कॉज करते हैं, दे कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में बीमारी कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स में कर सकते हैं, पेट्स में, एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो कॉमन जो ह्यूमन बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और उसके बाद डिप्थीरिया हो गया, ऑल दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन मोस्टली कैसी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय मींस ऑफ इनका जो है वो डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन, ठीक है। हमने बात करी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बीच में ये इसकी इनर वॉल है, और यहां पर क्या है, मीजोसोम, देयर इज ए मीजोस्पोच लाइक स्ट्रक्चर, दिस पॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोसोम, एंड दिस इज सेल वॉल, इसके बाहर क्या है, सेल वॉल, और अंदर इसके क्या है, that you know very well, that is genetic material, that is DNA is present here, that is naked DNA present है, naked है, उसको हमने क्या बोला, nucleoid। सबसे पहले क्या होगा, DNA का replication होगा, सबसे पहले there will be replication of DNA, means एक DNA से दो DNA, ये nucleo, ये mesosome दोबारा से, अब क्या होगा, इसके अंदर एक cell wall, ये DNA कितने हो जाएंगे, इसके अंदर दो डीएनए देंगे, इस तरीके से डुप्लीकेट कर जाएगा ये, फिर क्या करेगा, दिस मीजोसोम विल डीपन इनवेजिनेशन, मीजोसोम की इनवेजिनेशन डीप करेगी, और ये बैक्टीरिया दे आर सेपरेटेड जस्ट लाइक दिस, दो बैक्टीरिया बन जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो मींस टू बैक्टीरिया दे आर प्रोड्यूस्ड हियर, और ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से, यू कैन सी लाइक दिस, दो बैक्टीरिया बन गए हैं, इनका अपना अपना म्यूजोसोम भी डेवलप हो गया है, और अपना अपना इनमें न्यूक्लियस भी हो गया है, ठीक है। मतलब एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड करके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनरा, ठीक है।